परम सन्मान योग सतगुरु जी दी साजी नवाजी साध संगत जीओ रसना करो पवित्र जी अदब सत्कार चखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस बापू का अज 400 साल प्रकाश दिहाड़ा महापुरखों के उदम सदके मना रहे हो वो बापू बहुत दयालु जी। केवल एक डेढ़ मिनट आप जी के दर्शन करांगा सतगुरु कराउन। महापुरख भी बैठे ने बैठ के असीसा दे रहे ने। बाबा गुरदत्ता जी का विआह है जी, दयालता वेख्यो। घर विच सब तो छोटे ने धन गुरु तेग बहादुर जी। बरात तैयारी विच है, बरात चली है तो माता नानकी जी ने बहुत ही सुंदर पोशाक बना के ना गुरु तेग बहादुर जी ने पवा दी। बहुत सोहने लगते ने गुरु तेग बहादुर जी, लगभग 4 साल की उम्र है जी। तैयार पहला हो गए ने तो बाहर चले गए। जो बाहर गए की वेखते ने एक छोटा जिहा बच्चा ठंड के नाल कंबदा पिया तो नाल ना रो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी दयालु पिता जी कहते मित्रा, वो मित्रा की गल रो क्यों रहा भी, मैं गरीब हाँ, मैनू ठंड बहुत लगती पई है, पाउण वास्ते घर च कपड़ा भी कोई नहीं। एक मिनट नहीं लाया गुरु तेग बहादुर जी ने पोशाक उतारी तो उस बच्चे नूं पवा दित्ती। नंगे पिंडी घर आए ने माता नानकी जी वेख के हैरान हो गए, पुत्र तेनू हुणे नवी पोशाक पाई सी, कित्थे है? माता जी बाहर एक छोटा जिहा बच्चा ठंड दा विलकदा पिया सी, मैं अपनी पोशाक उतार के उन्हूं पा के आया। प्रेम वाले गुस्से जा गए माता जी, माता नानकी जी छेवें पातशाह नूं आखन लगे देख लो अपने पुत्र दे कम भी की होया, किड्डियां रीझां दे नाल पोशाक बनाई सी, ये बाहर किसी नूं दे आया जी। तो छेवें पातशाह जी मुस्कुरा पे तो माता नानकी जी कहिंदी सतगुरु मैं तुहानूं उलांभा दे रही हाँ, तुसीं मुस्कुरा रहे हो। कहिंदे नानकी ये जो साडा पुत्र है ना, इस पुत्र ने अज किसी दे सवासां नूं बचाउण वास्ते अपनी पोशाक दित्ती है। नानकी किसी दे सवासां नूं बचाउण वास्ते अपनी पोशाक दे के आया साडा पुत्र। सत जानी नानकी सत जानी, कल नूं किसी दे विश्वास नूं बचाउण वास्ते अपने सवास भी दे देगा। अज ये पोशाक दे के आया है किसी दे सवासां नूं बचाउण वास्ते। ओ नानकी सत जानी, कल नूं किसी दे विश्वास नूं बचाउण वास्ते अपने सवास भी दे देगा। वो समा फिर आया, एडे दयालु गुरु तेग बहादुर जी, धर्म सारे ही चंगे ने, धर्म सारे ही सत्कार योग ने, पर धन गुरु तेग बहादुर पिता जी तुहाडे तो सदके जाइए, तुहाडे तो बलिहारे जाइए, तुहाडे तो अशके जाइए। महाराज दास कुदरती एक धर्म नूं पढ़दा पिया सी, ओ धर्म दे रहबर तुरे जा रहे ने जी, नाल कुछ उन्हां दे चेले ने, पिछों आवाज की पई पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। वो रैबर खलो गए तो पिछे घूम के वेख्या एक बुजुर्ग माता है, माई तू कौन है? पुत्र मैं दुखियारी औरत हाँ। फिर आख्या माई तू कौन है? पुत्र मैं दुखियारी औरत है। माई मेरे कहन का यह मतलब नहीं, मैं पूछया भी तेरा धर्म की है? उस माई ने अपना धर्म दसिया, कहिंदी पुत्र मैं दुखियारी औरत है, मेरा दुख दूर कर। जदों अपना धर्म दसिया उस रैबर ने दोवें हाथ जोड़ ले, ओ माई मैनू माफ करी, तेरा मैं दुख दूर नहीं कर सकता। भी क्यों माई मैनू माफ करी, मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सकता? भी क्यों? तेरा धर्म होर है ते मेरा धर्म होर है।
इधर धन गुरु तेग बहादुर जी दयालु बहां जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बहाना छोड़िए। एक होर धर्म है गुरमुखो सत्कार योग ने सारे धर्म चंगे ने। वह रैबर दे ना सके चाचा जी बीमार हो गए, वह पैगंबर चाचा जी का पता लैन वास्ते गए अपने। जो पता लैन गए तो आखन लगे मैनू माफ करी मैं तेन दो जग की अग तो नहीं बचा सकता। वो चाचा जी हैरान अगो हो गए कहते मेरा भतीज पैगंबर हो रैबर हो ते मैं नरकां च गोते खाव मैं नरकां तो नहीं बचा सकते। चाचा जी मैं माफ करे तुहानू मैं दो जग की अग तो नहीं बचा सकता। क्यों? कहिंदे क्योंकि तू सारी उम्र मैनू पैगंबर नहीं मनिया रैबर नहीं मनिया। इधर जरा दुखी पंडित आए दुखिए बिपर चल के आए पूरी आनंद बाहां साडी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के चंद। इत्थे भट्ट चांद जी फिर लिखते ने कहिंदे उस वेले फिर गुरु तेग बहादुर पिता जी मौज विच आए कहिंदे बाहां जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बहाना छोड़िए। एडे दयालु एडे कृपालु धन गुरु तेग बहादुर जी। एक केवल हाजरी सी गुरमुखो महापुरखां दा सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी जिन्हां वल्लों इस अस्थान ते सेवावां चलदियां पईआं ने आप संगतां दे दर्शन कराए। ये उही अस्थान है जिथे जिथों बारे रोजाना ही भाई साहब जी आप संगतां नूं दसदे ने। इस अस्थान ते दाता बंदी शूर पब्लिक स्कूल चल रहा है जिथे ग्रंथी सिंघां दे बच्चे फ्री विद्या प्राप्त कर रहे हैं। विधवा बीबिया के बच्चे भैणा दे फ्री विद्या तीन बेटियां बिल्कुल फ्री विद्या। इत्थे ही गुरमुखो धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरमत सकीद अकैडमी की जो गुरमुख तैयारी हो रही है कुछ दिनों चालू हो जाएगी। इसे ही स्थान से सतसंगीओ जो घर बैठ के वेखते ने बाबे नानक की रसोई चलती पई है। इसे ही स्थान से सतगुरु की कृपा के नाल महापुरखों दसीसा सत्कारयोग भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी वालों बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल गुरमुखो उसकी तैयारी होंगी पी है वह सारी अधीन है। एक दो महीनों तक वो आरंभता हो जाएगी। तुम अरदास करो आसीस दौ सतगुरु जी होर महापुरखों उदम बख्शन। ये आरंभे हुए कार्य सतगुरु आप भी निर्विघ्नता सहित संपूर्ण करवाण। आओ जी दास दियां भुलां बख्शो जी बख्शते हो दोवें हाथ जुड़क दौ आसीस परवानो फतेह प्यार विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।